नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, एक फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करूंगा भाई, दोस्त सही पढ़ा आपने, फासिज्म एंड नाजिज्म। भाई ये फासीवाद क्या होता है, ये नाजीवाद क्या होता है, क्या होता है ये भाई? दोस्त बहुत ये हवा बना हुआ है टॉपिक, इस समय बच्चे समझ ही नहीं पाते, पढ़ते तो है माइंड में नहीं आता। इससे पहले दोस्त मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा अपने तरीके से, टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। जब ऐसे काफी सारे आपको इंसान मिलेंगे जिनके विचारें अलग होती है, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है सबके। दोस्तों अगर आप पे एक जगह पे बैठे हो जहाँ पे 4, 5, 8 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे दोस्त क्या उन सभी के विचार, सोच, आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है? सेम तो होगा नहीं। उनमें से दोस्तों कोई एक बंदा ऐसे बोले भाई मैं तो किसी को सुनता, भाई मैं तो अपनी मानता हूं, मैं अपनी चलाता हूं, भाई मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है। दोस्त वही जो है ना लड़का या वो लड़की जिसने कह दिया कि मुझे दुनियादार से मतलब नहीं है, भाई मैं तो अपनी सुनता या अपनी सुन चलाती हूँ, बस फासिज्म एंड नाजिज्म। दोस्त मैं आशा करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये विचारधारा ने अपना प्रभाव, अपना अफेक्टेड छोड़ा। और दोस्त यहां पे ध्यान रहे कि यही विचारधारा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फासिज्म इटली के अंदर एंड नाजिज्म जर्मनी के अंदर फैलती गई। लेकिन ये था क्या, इससे पहले थोड़ा सा सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन जानते हैं, ताकि सारे टॉपिक्स आपको मैं आपको इस वीडियो में डीपली समझाने वाला हूं। अच्छे से कंटेंट को समझकर समझना, अगर आपने रटने की कोशिश करी तो दोस्तों कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। अगर आज इस टॉपिक को समझ लिया तो अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे। चलिए दोस्त पहले हम बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इटली दोस्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, पूरी अर्थव्यवस्था मंदी आ चुकी थी, बेरोजगारी फैल गया था। इसी को फायदा उठा के किसका दोस्तों, मुसोलिनी का उदय हुआ। मुसोलिनी वहां का नेता, सिंपल। अब उसने क्या किया कि मार देखते हुए उसको लगा कि नहीं अर्थव्यवस्था तो कमजोर चुकी है, लोगों को क्यों ना अपने बस में करो। और जो बोलने में बड़ा अच्छा था भाई, ऐसा बोलता कि बंदे उसकी बात सुन लेते, और भाषण देने बड़ा तगड़ा था। और इसी को देखते हुए दोस्त उसने बंदे को अपने पक्ष में, अपने फेवर में कर लिया। और फासिज्म का मतलब होता है कि सबसे ऊपर स्टेट है, स्टेट से ऊपर कोई भी नहीं, स्टेट के नीचे सारे हैं, सबका बाप राज्य है, राज्य से बड़ा कोई भी नहीं है, राज्य जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा। भाई आया समझ में दोस्त? वैसे ही आपका नाजिज्म भी है। नाजिज्म इटली की ही तरह जर्मनी में हिटलर के द्वारा लाया गया था। दोस्तों हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक फौज के रूप में शामिल था, सिपाही था एक। हुआ क्या था कि दोस्त इस समय जब मैं बात बताऊं आपको, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्साई की संधि हुई थी, टीटी ऑफ वर्सायल, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है। इस संधि के बाद दोस्तों जर्मनी पे जो अपमानजनक संधि थोप दी गई, तो उस संधि के बाद जर्मनी की खूब बेइज्जती हुई। और इसी दिन दोस्त ये जब फौज में शामिल था तो एक समय घायल हो गया था डॉक्टर, दोस्त इसका इलाज कर रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट था ये हिटलर। उसने दोस्त ठान लिया कि मेरे को अब जर्मनी को इतना ताकतवर बनाना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसका मानना था कि जब जब जर्मनी के अंदर कोई भी घटना होगा तो इसका कारण यहूदी होते हैं, ये यहूदी के कारण सब कुछ हो रहा है। दोस्त मैं बताऊंगा डीपली कि यहूदी को ये क्यों ऐसा कहता था, लेकिन ये सारा कारण यहूदियों को मानता था। और यहूदियों को अपोज में, नस्लवाद के विरोध में एक इसने अलग ही विचारधारा जन्म दे दिया, एक आइडियोलॉजी जन्म दे दी, जिसको नाजीवाद कहा जाता है। तो दोस्त ये नाजीवाद फासीवाद अपने आप में कुछ सिमिलर भी है और कुछ डिफरेंट भी है इन दोनों में। तो लेकिन हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैला ये। लेकिन यहां पे सिंपल ये कि ये दोनों ही विचारधारा कम्युनिज्म साम्यवाद के अपोज में खड़े हैं, अपने आप को सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मतलब दोस्तों अपने आप को सर्वोच्च, सबसे ऊंचा बनाने के लिए हमेशा दोस्तों प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और इस तरीके से ये विचारधारा पूरे वर्ल्ड में फैली, और इटली के अंदर मुसोलिनी के द्वारा एंड जर्मनी के अंदर किसके, हिटलर के द्वारा। दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माय फीलिंग। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त, याद रहे हम टॉपिक दो एक साथ कवर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों ना एक एक करके समझे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फासिज्म के बारे में, देन नेक्स्ट जानेंगे हम नाजिज्म के बारे में, यानी कि नाजीवाद के बारे में, जिसको हम नाजीवाद के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ये फासिज्म, यानी कि सबसे पहले जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जिसमें समझाने की कोशिश करता हूं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग। देखो सबसे पहले इसको इंग्लिश में दोस्त फासिज्म कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के, किसके, लैटिन भाषा के फासियो शब्द से बना है, किसके शब्द से बना है, फासियो। आया दोस्त समझ में? और ये फासियो शब्द से दोस्तों ये बना तो है
लेकिन दोस्तों याद रहे ये फासियो शब्द का जो मतलब होता है वो होता है बंडल, है बीडी का बंडल पिया है, जानते हो ना भाई। अब यहाँ पे याद रहे इस बंडल जिसके ऊपर एक लकड़ का कुल्हाड़ा सा निकल रहा है और इस पूरे बंडल को लाल कपड़े से लपेट कर बांधा सा गया है। वो लाल कपड़े से इसलिए बांधा गया कि दोस्तों ये इटली है भाई, रोमन साम्राज्य, जानते हो रोमन साम्राज्य के बारे में, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बताने की दोस्त। यह पहले लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, चौथी शताब्दी के आसपास रोमन साम्राज्य का पूरे जो है ना, ये रोमन साम्राज्य दोस्तों, इटली की कैपिटल क्या है, रोम है। तो रोमन साम्राज्य पूरी इटली, रोम, आसपास के सारे कंट्रीज को मिला के बना हुआ था, जिसका दोस्त पूरे मतलब कि लगभग आधे यूरोप पे राज था। बहुत बड़ा साम्राज्य इसने फैला रखा था, बहुत तगड़ा राज था। तो दोस्त इस तरीके से ये शक्ति का प्रतीक है लाल कपड़ा, इसलिए इस बंडल पे लाल कपड़ा लपेटा हुआ था जो कि रोमन साम्राज्य के शक्ति का प्रतीक मान जाता है। किसका, पावर का एक कहते हैं साइन, वो है ये, है ना। एंड इस तरीके से मुसोलिनी ने जो पार्टी बनाई उसका नाम था फासिस्ट दल। इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई ताकि एक कहते ना, ये पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये पावर में आ सके, यानी कि अपनी सरकार बना सके। और दोस्त इस तरीके से ये हो गया हमारा। तो दोनों लाइन दोस्त बहुत जरूरी याद रखना, ठीक है। एंड अब आते हैं इसके एक्चुअल मीनिंग पे। सबसे पहले जो भी फासिज्म को फॉलो करेगा दोस्त वो तानाशाही होगा। तानाशाही मतलब क्या होता है भाई, वो दोस्त डिक्टेटरशिप होगा, पूरा प्योर डिक्टेटरशिप, बिल्कुल तानाशाही, सिर्फ अपनी चलानी है, बस किसी की नहीं सुननी भाई, ऐसे की तैसे सबकी, आया तो समझ में। एंड अफवाह फैलाकर विपक्ष को इतना कमजोर कर दो, इतना अफवाह फैलाओ, यानी कि अगर जो आपके विरोध में बोल रहा है, जो आपके अपोज में बोल रहे हैं, कुछ ऐसा करो कि वो अपने आप ही कमजोर हो जाए, या ये रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, उसको जान से क्यों ना मानना पड़े। एंड साम्यवाद का विरोध करते हैं भाई। यहाँ पे साम्यवाद का मतलब ये होता है कि राज्य का ना होना, अब राज्य हो गए ही नहीं क्योंकि समाज में सब इक्वल है, तो जब सब इक्वल है ही है तो राज्य का क्या मतलब पड़ता है, यहाँ पे सब अपने आप सब अपनी जिंदगी जी लेंगे। इसलिए मेरे दोस्त ये साम्यवाद का विरोध करता है, इसलिए करता है क्योंकि भाई तो राज्य को सबसे ऊपर मानता है ना, है इटली में दोस्त। ये मुसोलिनी की जो विचारधारा, ये फासिज्म की, इसका मतलब ही होता है कि स्टेट सबसे ऊपर है। अभी दोस्त मैं बताऊंगा आपको सुप्रीमेसी वाली थ्योरी क्या है, हेगेल की, है ना। एंड व्यक्ति पूजा का सर्वोच्च, मेरे दोस्त व्यक्ति पूजा मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे जो नेता है ना, लोग उसकी पूजा करेंगे, इसको बोलते हैं व्यक्ति पूजा। सर्वोच्च नेता, सुप्रीमेसी में जो सुप्रीम जो नेता है दोस्त, वहां पे वही देश का मालिक है, लोग उसकी सुनेंगे, बाकी मेरे जो जितने भी लोग हैं सब उसके अंडर में है, आया दोस्त समझ में। और वही है हमारा कौन, मुसोलिनी, इटली का बाप, आया दोस्त समझ में। उस समय यही चल रहा था भाई। तो इसकी आप अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं इसकी परिभाषा, तो फासिज्म जहां पे सरकार या एक ऐसा सर्वोच्च नेता हो, सिंपल एक ऐसा लीडर हो, सिर्फ एक लीडर हो जिसके पूरे देश के अंदर तानाशाही हो, डिक्टेटरशिप हो, सिर्फ उसकी चलती हो, एंड वो अपने शक्ति को, अपने पावर को बनाए रखने के लिए अपने अपोजिशन को बिल्कुल ही खत्म कर दे, या जो उसके अपोजिशन में कुछ आवाज उठाए तो उसको अपने रास्ते से निपटा दे, उसको जान से भी क्यों ना मारना पड़े, खून खराबा भी क्यों ना करना पड़े। एंड दोस्त जहां पे व्यक्ति पूजा होता हो, दैट इज नोन एज द फासिज्म, आया दोस्त समझ में। ये तो होगी इसकी बिल्कुल मीनिंग, सर्वोच्च सटीक मीनिंग। थोड़ा बात करते हैं कि कॉजेस ऑफ इमरजेंस, इसके उदय के कारण क्या है, इसका उदय क्यों हुआ, है ना। यहाँ पे तो सबसे पहले पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, क्या था दोस्त, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1914 से 1918 तक चला था, जानते हो सब, ये मेरी वीडियो अपलोड है दोस्त, देख सकते हो आप उसको। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चला तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ था कि दोस्तों, तो 1817 और 1890 के बीच में इटली के बीच, ऑस्ट्रिया के बीच एंड जर्मनी के बीच, इन तीनों के बीच एक ट्रिपल एलियंस हुआ था, इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम तीनों एक हैं, तीनों के बीच एक संधि हुआ था 1870 और 1890 के बीच में, किसके बीच, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। इस संधि के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दिस एग्रीमेंट, हुआ ये कि इटली ने एलियंस पावर का साथ दिया दोस्तों। पूरे वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार में बटा हुआ था, एक एलियंस पावर था, एक सेंट्रल पावर था दोस्तों। सेंट्रल पावर में जर्मनी वगैरह आते हैं, ये ऑस्ट्रिया वगैरह आते थे, लेकिन दोस्तों इन दोनों का साथ छोड़कर, जबकि एग्रीमेंट हो रखा है इटली का, इसको छोड़कर दोस्त किस पे चला गया इटली, एलियंस पावर, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के साथ चला गया,
बाकी जो दोस्तों ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, हंगरी है, इन सबको सेंट्रल पावर के नाम से जाना गया है तो समझे। और ये पूरा जो लड़ाई युद्ध हुआ ये एलियंस पावर और किसके बीच में, सेंट्रल पावर केंद्रीय शक्ति जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और भी अदर कंट्रीज आते थे, एंड दोस्त आपके जो एलियंस पावर है मतलब मित्र राष्ट्र है उसमें आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली भी उन्हीं का साथ दिया। दोस्त दिक्कत यह है कि इसने संधि एग्रीमेंट कर रखा था तीनों के दोस्तों के बीच, फिर भी इसने इसका साथ छोड़कर मित्र राष्ट्र का साथ दिया था। एलियंस पावर ने कहा इटली सुन, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा ना तो क्या होगा कि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो जर्मनी वगैरह सबको हरा देंगे और इनके प्रदेशों को छीन लेंगे और थोड़ा हम बांटेंगे तेरे को, थोड़ा तेरे को दे देंगे, यानी मिल बांट के भाई मजे ले लेंगे अपना, आया समझ में। लेकिन हुआ ये कि जो शर्त हुई थी कि भाई मिल बांट के बांट लेंगे, घंटा नहीं कुछ दिया इसको, इटली को पागल और बना दिया एलियंस पावर ने। और हुआ ये कि इटली नाराज हो गया, और इटली का नाराज होने का मतलब है मुसोलिनी नाराज हो गया, और इसने ठान लिया अब अनुमित राष्ट्र की ऐसी तैसी करना है। इसी कारण से यहाँ पे एक आइडियोलॉजी का जन्म हुआ कि अब अपने देश को पावरफुल बनाना है, और इसी पावरफुल की आइडियोलॉजी ने ही एक विचारधारा को जन्म दिया जिसका नाम था फासिज्म। आया दोस्त समझ में, ये था हमारा पेरिस शांति सम्मेलन। इसके बावजूद दोस्तों सारा इसने पैसा युद्ध में खर्च कर दिया था ये एलियंस पावर ने दोस्त, जैसे कि बोस्निया पे इसने अटैक कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया इटली ने दोस्तों, बोस्निया पे अटैक कर दिया था है ना, तो उस पर भी उस पर खर्चा हो गया इसका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी सारा दोस्तों इसके जनहानि हुई, धनहानि हुई, काफी लोग मरे, काफी इकोनॉमिकल इसकी कंडीशन खराब हुई, जिसके कारण दोस्तों महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, लगभग दोस्त इसकी करेंसी का 70% वैल्यू डेप्रिसिएट हो गया, मतलब करेंसी का दोस्तों 70% गिर गया मार्केट में, इसकी वैल्यू गिर गई, और गरीबी महंगाई ओब्वियसली बात दोस्तों बढ़ने बढ़ने और बेरोजगार बढ़ते चली गई दोस्त, देश में पूरी आर्थिक तंगी आ गई। मुसोलिनी ने इसका फायदा उठाया और खड़ा हो गया, लोगों को अपने पक्ष में कर लिया कि अपने राज्य अपने देश को सबसे ऊपर सबसे पावरफुल बनाएंगे और महान शक्ति बन पाएंगे, तभी हम समस्या खत्म कर सकते हैं। लोगों ने इसका सपोर्ट भी कर दिया, किसका, मुसोलिनी का, और दोस्त इसलिए आर्थिक हानि का फायदा उठाया दोस्तों। आर्थिक हानि यानी कि दोस्त आर्थिक इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी इटली की वो खराब थी, इसी कारण से यहाँ पे फासिज्म का पैदा होना जाहिर सी बात थी, जो मुसोलिनी ने इसका फायदा उठा लिया। एंड नेक्स्ट है वर्साई की संधि। दोस्तों वर्साई की संधि में सेम वही है कि भाई जर्मनी से जो हम प्रदेश लेंगे वो प्रदेश थोड़ा इटली तेर को भी देंगे, और इटली को दिया नहीं, और इसी कारण से भाई काम खत्म हो गया। हुआ क्या भाई, जो होना था वो हुआ नहीं भाई, इटली को नाराज तो होना ही था है? भाई पेरिस शांति सम्मेलन में भाई शर्त कर रहे हो इटली को कुछ दे दो भाई, आ रहे हैं भाई बेचारा आपके लिए एग्रीमेंट तोड़कर आया एलियंस पावर के साथ, फिर भी इटली को छोड़ चल साइड निकल, भगा दिया इटली को, कुछ भी नहीं करने दिया। इसी कारण से दोस्त वर्साई की संधि फेल। वर्साई की संधि हुआ क्या था, जर्मनी के प्रदेश छीन ले गए, उसकी आर्मी उसके लिमिटेड कर दी गई दोस्तों, अलास्का लॉरेंस छीन लिया गया था उससे, एंड उस पर जुर्माना लगा दिया गया था लगभग 6 अरब पाउंड का, और वो सब कुछ एलियंस पावर ने ले लिया, कुछ भी नहीं दिया इसको, किसको, इटली को। इस कारण से भाई मुसोलिनी नाराज हुआ, और उस दोस्तों ओब्वियसली से बात है जब कोई नाराज होता है ना भाई, अगर कोई नाराज होता है तो इतिहास रचता है भाई, मानना पड़ेगा इस बात को। एंड लोकतांत्रिक सरकार का विरोध दोस्तों, इन सब के कारण आर्थिक हानि होना, देश का पिछड़ापन जाना, इकोनॉमिकल दोस्तों ग्रोथ ना होना, इन सबको दोस्त, बाकी ये भी जो कारण चल रहा था, इन सबका कारण इटली के लोगों ने सरकार को माना। अब कह दिया कि अगर देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो देश का भला नहीं हो सकता, और इसी को देखते हुए दोस्तों लोगों ने लोकतंत्र का विरोध करना, डेमोक्रेसी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भाई डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया इटली के लोगों ने, वो समझ गए थे। अगर देश में, अब पता है उस पर एक बात बताता हूँ, जब लोग डंडा बसता है ना भाई तभी कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे तानाशाही आना जाहिर सी बात है, जब लोग लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, जनतांत्रिक सरकार का विरोध कर रहे हैं, है ना, और मुसोलिनी ने इसका फायदा उठा लिया, बोलने दोस्तों भाई था ही वो, है ना। एंड दोस्त इसके बाद आता है हिगेल, ये सबसे मेन बंदा हुआ भाई इस पूरी आइडियोलॉजी में, जो है ना ये जड़ आइडियोलॉजी की जो जड़ है मुसोलिनी के अंदर, जो ये पीड़ा पैदा हो रहा था दोस्त, ये हिगेल ने अपनी विचारधारा दी थी एक समय, और इसी की विचारधारा ये थी कि राज्य सर्वोच्च होना चाहिए। राज्य क्या होना चाहिए, राज्य सुप्रीम होना चाहिए, सुप्रीमेसी थ्योरी ऑफ द स्टेट है,
आया तो समझ में। और ये दिया था हीगल ने, इसी को बात को अपना कर मुसोलिनी ने, राज्य को सबसे ऊंचा बनाया, सब राज्य से बड़ा कोई भी नहीं है, राज्य का निर्णय, राज्य का डिसीजन, स्टेट का डिसीजन, स्टेट मतलब भाई इटली की जो सरकार उसी का डिसीजन हो गया भाई, राज्य थोड़ी डिसीजन लेता है, राज्य को चला रहा डिसीजन वो लेता है ना भाई, सिंपल सी बात है, वो सबसे ऊपर होगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा भाई, साफ सीधी बात है। और हीगल की थ्योरी को, यानी कि जो स्टेट सुप्रीमेसी की दोस्तों जो थ्योरी है उसको अडॉप्ट कर लिया गया। एंड हुआ ये कि एंड में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, है ना, साम्यवाद दोस्तों ये समाजवाद ही है ना, यहाँ पे ये समझो आप, ये कह रहे थे कि साम्यवाद का विरोध करेंगे हम, और दोस्तों पूंजीवादी साम्यवाद का विरोध करते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि पूंजीवाद कैपिटलिज्म का सपोर्ट किया और साम्यवाद का विरोध किया। दोस्तों इस तरीके से इसका इमरजेंस हो पाया और ये पूरे वर्ल्ड में फैला और एक समय आके बहुत तगड़ा सीन बना दिया भाई, बहुत तगड़ा सीन। अब दोस्तों ये तो रही पूरी फासिज्म की बात, क्यों ना थोड़ा बात करते हैं नाजीज्म की बात, ये नाजीवाद क्या होता है जिसको हम नाजीवाद के नाम जानते हैं, चलिए जानते हैं। तो अब देखते हैं हम थोड़ा नाजीवाद के बारे में, किसके बारे में, नाजीज्म के बारे में। यहाँ पे दोस्त थोड़ा याद रहे कि नाजीवाद भी कैसी विचारधारा है, थोड़ा सिमिलर हम करके देख सकते हैं, यहाँ पे सेम विचारधारा है जो यहाँ पे फासिज्म थी भाई, राज्य को सुप्रीम बनाना है, है? विदेशियों का विरोध करना है, है? बरसाई की संधि को तोड़ना है, है? अपने देश को कहते हैं ना कि एक पावरफुल कंट्री के रूप में प्रेजेंट करना है, आया तो समझ में। बस ये बात याद रहे कि नाजीज्म एक के कुछ बातों में अलग था, अभी हम मैं बताऊंगा आपको किस बातों में अलग था वो फासिज्म से, बट यहाँ पे दोस्त अपने देश को सुप्रीम करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, संधि को तोड़ने के लिए, विदेशियों का विरोध करने के लिए और यहूदियों को मारने के लिए, दोस्तों पहला ऐसा विचारधारा था जो किसी नस्ल पे आधारित था, किस पे, नस्ल पे आधारित था, और यानी कि धर्म वगैरह पे, और उसी कारण से दोस्त इसको थोड़ा फासिज्म से अलग किया जाता है, आए दोस्त समझ में। यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं हम हिटलर की, ये पूरी विचारधारा जो है, पूरी जो आइडियोलॉजी है ये नाजीवाद की, ये टोटली दोस्तों हिटलर की दिमाग की उपज है, ये सारा कुछ जो है ना ये रूट इसके दिमाग में था जो कि आगे चल के पेड़ बन गया। फिर दोस्तों पेड़ बनने के बाद पूरे जर्मनी को अपने चपेट में ले लिया, और चपेट लेने के बाद पूरा जर्मनी अंडर कंट्रोल ऑफ हिटलर। यहाँ पर थोड़ा जानते हैं भाई, हिटलर दिमाग का बड़ा सातिर इंसान था, बड़ा सातिर इंसान मतलब कि आई कांट बिलीव दिस, कैसे, थोड़ा प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो हमेशा फैक्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं थोड़ा हिटलर के बारे में, 20 अप्रैल का दिन था है 1889 में दोस्तों, ऑस्ट्रिया में जन्मा ये हिटलर, दिमाग का बड़ा सातिर, बुद्धि में बड़ा तेज था स्टार्टिंग से ही, पापा तो दोस्तों फौज में थे ही इसके स्टार्टिंग से ही, बाप को इसने दोस्तों मरते हुए देखा था, बाप ने इसको अपने आप को गोली मार लिया था, क्योंकि ये जान इसके दोस्तों आपने पढ़ा हो पहले क्लासेस के अंदर, बहुत डीपली स्टोरी है भाई इसकी भी। तो ये बचपन से बेचारा बहुत संघर्ष किया, बनना चाहता था ये एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, आर्किटेक्ट होता है ना भाई, ये वो बनना चाहता था। आर्किटेक्ट बनने के बाद दोस्तों इसमें ये फेल हो गया, बेचारा बन नहीं पाया। इसके बाद ये सोचा क्यों ना मैं एक चित्रकार बनूं, एक पेंटर बनूं, थोड़ा बहुत उसने काम किया उसमें भी, और उसके काम के बाद इसने ये भी काम छोड़ दिया। इसके बाद इसने क्या काम स्टार्ट किया, मजदूरी दोस्तों, उसके बाद ये लेबर बन गया, लेबर यानी कि तीनों काम किया। उसके बाद कुछ समय तक दोस्तों ऐसे चलते रहे इसकी जिंदगी, और जब आगे चलकर एंड सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है, जो यानी कि जर्मनी गवर्नमेंट के अंदर इसकी एक नौकरी लगी कर्मचारी के रूप में, और ये कर्मचारी बन गया कहाँ पे दोस्तों, सूचना प्रसारण मंत्रालय में, जिसका काम ये था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब की एक्टिविटीज़ को देखना है, और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको जाके देना है, आया तो समझ में, पहली बात ये था। एंड साम्यवाद जो है, साम्यवाद कम्युनिज्म का विरोध करना है, अपोज करना है, इसका ये काम था। और दोस्त इसी के बाद आगे चल के क्या हुआ कि एंटन ट्रैक्सलर, दोस्त इसका नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना बता देता हूँ, याद रखना एंटन ट्रैक्सलर, इसने एक पार्टी बना रखी थी कहाँ पे, जर्मनी के अंदर, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स ग्रुप, जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते हैं, है ना, पार्टी मतलब सिंपल दल कह देता हूं मैं, या पार्टी कह रहे हो, इट्स अप टू यू। इसने क्या कर दिया, NS लगा दिया, और NS मतलब क्या होता है कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, आया तो समझ में। और इसी पार्टी को क्या कहा जाता है, नाजी दल, नाजी दल कह लो या आप ये कह लो,
नाजी पार्टी कह लो या नाजी दल कह लो या नास्सी बात कह लो दोस्तों, ये यही पार्टी है हिटलर की पार्टी, जो आगे चलकर पावर में आ गई, सत्ता में आ गई, अपनी सरकार इसने एस्टेब्लिशमेंट कर दी। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ तक तो भाई मेन था पूरी स्टोरी। लेकिन 1923 में दोस्तों हिटलर ने यहाँ की गवर्नमेंट का अपोज कर दिया, क्या किया, विरोध किया, और इस विरोध के कारण हिटलर को जेल में डाल दिया गया। और दोस्तों जेल में इसको डालते हुए देख गया, लेकिन इस जेल में भी शांत नहीं बैठा, इसने क्या किया, अपनी पूरी एक आत्मकथा लिख दी, अपनी पूरी जिंदगी लिख डाली, और इस बुक का नाम इसने दिया क्या, मीन काम्फ। क्या दिया, मीन काम्फ। और दोस्त ये बुक अगर आपने पढ़ा हो तो दोस्त मेरे पास ये बुक है इस समय भी। मैं दोस्त मेरे को थोड़ा पर्सनल किसी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, और दोस्त मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को किसी के बारे में पढ़ना भी। तो ये दोस्त मैंने इस पूरी बुक को पढ़ रखा है, इसकी पूरी आत्मकथा को पढ़ रखा है। तो इतनी मोटी बुक है भाई, दिल्ली में लगता है ना बुक फेयर, कहाँ पे, प्रगति मैदान, भाई वहाँ से लेकर आया था मैं भाई, बड़ा मजा आया था। तो दोस्त इस तरीके से इसकी पूरी कहानी रही, मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया, पूरे एग्जाम्स में आपको लिखना है जैसे जैसे बता रहा हूँ, आया था समझ में। अब थोड़ा बात करते हैं कि इमरजेंस ऑफ नाजीज्म कैसे पैदा हुआ ये, है दोस्त सिमिलर थोड़ा होगा जैसे फासिज्म में था, वैसे सेम ये भी ऐसा ही होगा, थोड़े जानते हैं। देखो वर्साई की संधि पे थोप दिया गया था, इकोनॉमिकल इसकी हालत खराब हो चुकी थी, महामंदी आ गया था, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुका था, और दोस्तों करेंसी का जो वैल्यू उसका डेप्रिसिएशन हो गया था इसका, जैसे 70% होता ना फासिज्म में किसका, इटली की करेंसी का, वैसे इसका भी हुआ था। लेकिन दोस्त यहाँ पे थोड़ी गौर करने की बात यह है कि इसको सेना को भी लिमिट कर दिया गया, 6 अरब पाउंड का फाइन लगा दिया गया, क्योंकि अलियंस पावर ने ये कहा, किसने, मित्र राष्ट्रों ने ये कहा अलियंस पावर ने, कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ, ये जर्मनी के कारण हुआ है। और दोस्तों इसी का अपोज किया किसने, हिटलर ने, वर्साय की संधि का। क्योंकि दोस्त जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, ये फौज में था, किसमें था, फौज में था। और दोस्त ये 1919 के समय दोस्त ये एक फौजी था, और लेकिन दोस्त बेशक जर्मनी हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो इसने अपनी बहादुरी दिखाई, और इसीलिए जो भी वहां पे बहादुरी दिखाते हैं जर्मनी के अंदर उसको क्या दिया जाता है दोस्त, उसको दिया जाता है आयरन क्रॉस। मेरे दोस्त उसको आयरन क्रॉस नामक एक दिया जाता है, ताकि उसकी बहादुरी का प्रतीक होता है ये। और दोस्तों इस तरीके से इसको भी दिया गया, और आयरन क्रॉस के रूप में इसको भाई जाना गया, मतलब इसकी बहादुरी के लिए जाना गया था ये, है ना। और दोस्तों देश में पूरा आर्थिक संकट, मूल्य करेंसी का वैल्यू पूरा घटता गया, एंड साम्यवाद का इसने भी विरोध किया, कम्युनिज्म का। और साम्यवाद का विरोध कैपिटलिज्म भी करता है, पूंजीवाद भी करता है, साम्यवाद का विरोध करेगा तो दोस्तों पूंजीवाद का समर्थन कर लेगा, है ना, ताकि भाई जब इसका समर्थन करेगा तो ये मिलके इसका भी विरोध करेंगे, आया तो समझ में, ताकि भाई ये देश में आए बस काम खत्म, फुल विरोध करता था जैसे फासिज्म कर रहे हैं। एंड यहूदियों को हार का कारण मानना, हिटलर बोलता था कि देश जो हारा है ना, या दोस्त देश में जो भी जितनी भी बुरी हो, हिटलर मानता था कि पूरे यूरोप में या जर्मनी में कुछ भी बुरा होगा तो उसका जिम्मेदार ये सिर्फ यहूदियों वाले होंगे, ये यहूदियों का बोलता था। देखो पहली बात मैं आपको बताता चाहता हूँ, यहूदी जो लोग होते हैं दिमाग के बड़े तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं दिमाग के ये। एंड दूसरा कारण ये, जो जितने भी यहूदी थे ये सब के सब अमीर थे, और जर्मनी के दोस्तों खासकर लोग काफी ज्यादा गरीब थे, इसलिए गरीब लोगों ने इन अमीर से दोस्तों कह लो चिढ़न भी है भाई, इसी कारण से जर्मन लोगों ने इन यहूदियों को अपोज करना स्टार्ट किया और युद्ध का कारण माना, पैसे वाले होते हुए भी युद्ध में साथ नहीं दिया इन्हें जर्मनी वालों का, और इसलिए इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों इतना गंदा हारा जर्मनी कि अब तो भाई उन्होंने ठान लिया इन यहूदियों को मारना है। दोस्त पता क्या हुआ था, और यहूदियों को मारने के लिए ही हिटलर का पैदा हुआ, और दोस्त आगे चल के इसने किया भी, अपनी हरकतें दिखाई भी, दोस्त कितने सैकड़ों यहूदियों को इसने मार डाला, कई यहूदी दोस्तों भाग्य भाई जर्मनी से कैसे कैसे बच के भाग्य भाई, इसकी साफ जो मैंने बताया कि दोस्त मैंने इसकी पूरी बुक पढ़ी है उसमें दोस्त पूरी घटना के बारे में बताया गया है। एक घटना और जिक्र किया मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगी कहीं, थोड़ा ये पर्सनल नॉलेज है, थोड़ा हट के इससे नॉलेज है इन बुक से, क्योंकि मैं दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बुक से हट के नॉलेज दूँ, है ना, ताकि आप कभी कहीं भी जाओ तो कहो कि नहीं यार नॉलेज में दम रखता हूँ मैं। दोस्त हुआ ये कि ये बोलता था ना कि मैं यहूदियों को मारूंगा, यहूदियों को मार दूंगा, भगा दूंगा, ये मेरे दुश्मन है। तो एक बार इसके दोस्त ने कहा,
अरे भाई तेरे को क्या चिड़े इनसे, क्या दिक्कत है बता तो थोड़ा हमें भी, इस समय तू जानना चाहता है, चल तू मेरे साथ एक मार्केट में, एक बाजार में चल। तो ये बाजार में गया और एक सबसे पहले ये उस दुकान पे गया, उस शॉप पे गया दोस्तों, एक टी की जो कप होती है ना उस शॉप पे गया, ये चाय वाली की शॉप पे जो वहाँ पे टी का जो कप होता है वो बेचता था वो है। और वो सामान जो बेच रहा है दोस्तों वो जर्मन का सिटीजन है, वो जर्मनी है, है? वो यहूदी नहीं था, वो जर्मनी था। तो वहां पे वो गया और उसके बाद बोला कि भाई कप दियो, और जैसे उसने कप दी तो दोस्त उसकी जो दंडी थी ना वो इस तरफ थी, किस तरफ, जैसे कि मान लो दोस्त ये कप है ये इस तरफ, इसकी दंडी इस तरफ थी राइट हैंड की तरफ, और उसने लाके उसको रख दिया टेबल पे, है ना। और फिर हिटलर ने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो लेफ्ट हैंड हूँ, मुझे लेफ्ट हैंड वाला दो। जर्मनी वाले ने बोला नहीं लेफ्ट हैंड वाला कप नहीं है मेरे पास। हिटलर फिर से आगे चले गए लेकर, फिर से जर्मनी वाले के पास गया, उसने भी सेम दोस्तों कप की साइज इस तरफ रख दी है, और दोस्त फिर से उसने कहा कि नहीं नहीं ये वाला मत दो मेरे को, लेफ्ट हैंड वाला कप दो। फिर उसने भी जिस वाले ने मना कर दिया, जर्मन वाले ने भी, दोस्त दुकान जर्मनी की थी, नहीं 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 है। अब बोला हिटलर ने चल अब चलते हैं यहूदी वाले दुकान के पास, ऐसे दुकान में जो जो बेचने वाला जो शॉपकीपर है दोस्त वो यहूदी वाला। और वो गया उसने बोला कि मेरे को कप दे दो लेकिन मैं लेफ्ट हैंड हूँ, है यानी दोस्तों उसने कप को, उस यहूदी वाले ने भी उस कप को दोस्त पहले राइट हैंड रख रखा था साइड में, जब उसने बोला कि नहीं नहीं मेरे को लेफ्ट हैंड दो, मेरे को लेफ्ट हैंड कप दो, तो उस यहूदी वाले नहीं नहीं सर ये लेफ्ट हैंड वाली कप है। और क्या किया दोस्तों, उसने इस कप को घुमाकर इस तरफ रख दिया, यानी दोस्तों इस डंडी को उसने इस तरफ कर दिया और बोला हाँ ये लेफ्ट हैंड वाली तो कप है। हिटलर समझ गया और उसे अपने दोस्त से बोला देख ले, अभी जर्मनी वाले से आए वो बंदा नहीं समझ पाया लेकिन देख ले यहूदी वाले कप को घुमा दिया। अरे भाई कप है तो है यार, ये वो लेफ्ट हैंड से पियो राइट हैंड से पियो वही तो है, यानी दोस्तों नॉर्मल बात भी वहां के लोग उस समय नहीं समझ पाए जो कि बात हिटलर ने दोस्तों अपनी बुक में शेयर किया। और सोच सकते हो दोस्तों इसलिए उसने कहा अपने दोस्तों इसलिए मैं इनको भगाना और इसको मारना चाहता हूँ, ये साले जब तक रहेंगे ना यहूदी इस देश के अंदर जर्मनी के अंदर, जब तक मैं पावरफुल नहीं बन पाऊंगा, जब तक मैं पूरी सत्ता यहाँ का डिक्टेटर नहीं बन पाऊंगा, मारना स्टार्ट कर दिया। तो छोटी सी कहानी थी, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। और दोस्त लोकतंत्र इन जब ऐसी हरकतें दिखी, जैसे फासिज्म में हुआ था ना कि जनतंत्र का विरोध करना, दोस्तों लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे, इनको लगा कि भाई लोकतंत्र फेल हो गया, हटा लोकतंत्र। और दोस्त हिटलर बोलने में इतना तेज था ना, ऐसा बोलता बहुत तगड़ा बोलता था भाई, ऐसा बोलता था मतलब कि लोगों के दिल में छा जाए। और दोस्त इस तरीके से हिटलर का उदय होना लाजिमी सी बात थी, और दोस्त हिटलर पैदा हो गया और पूरे जर्मनी के ऊपर हिटलर का राज, डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिशमेंट हो गया। दोस्तों ये रही नाजिज्म की बात। अब थोड़ा सा मेन पॉइंट है ये, अब हम लास्ट में आ चुके हैं, थोड़ा जानते हैं हम सिमिलरिटी कुछ है या भी नहीं है फासिज्म और नाजिज्म के बीच में, जानते हैं क्या क्या समानताएं हैं, किन बातों के कारण ये दोनों के दोनों सेम है। सबसे पहले दोस्त दोनों ही चाहते थे कि अपने स्टेट को, अपने देश को सर्वोच्च सुप्रीम बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है गौरव और गौरव, किसका लड़का खो गया भाई गौरव, भाई यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो गौरव मतलब कि जो इनका क्या इज्जत जो खोया हुआ था ये इसको लौटाना चाहते हैं दोस्त, ये फिर से उसको पाना चाहते थे और अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे दोनों ही कंट्रीज, इटली या जर्मनी। दोस्तों दोनों ही साम्यवाद का विरोध करते थे, अपोज करते थे कम्युनिस्ट का, कम्युनिज्म का, एंड जो दोनों ही लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अपोज में थे। क्लियर है दोस्त, ये हो गया इसकी सिमिलरिटीज दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नाजिज्म एंड फासिज्म। दोस्त शुरुआत में फासीवाद जो है, फासिज्म जो है दोस्तों नासीवाद यानी कि नासीवाद के तहत कोई भी इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया था शुरुआत में, आगे चल के दोस्तों इसने पर्टिकुलर कुछ टारगेट बनाया था, चाहे अपने देश में दोस्तों जो भी इटली जो इटालियन को छोड़कर जो भी थे दोस्तों उसने इनको टारगेट बनाना स्टार्ट कर दिया मुसोलिनी, लेकिन इसने स्टार्टिंग में ऐसा नास्तीवाद की तरह कोई भी नहीं किया। बाकी दोस्तों जर्मनी में दोस्तों ये नाजीवाद उदय ही हुआ था यहूदियों के विरोध के कारण, क्योंकि ये मानता था कि हम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारे इन यहूदियों के कारण, क्योंकि इन्होंने साथ नहीं दिया, पैसे वाले वर्ग थे भाई, ये क्लासेस थे पैसे वाले, है ना, और ये नस्ल विरोधी नहीं थे। आए उसमें फासीवाद जो थे वो नस्ल विरोधी नहीं थे शुरुआत में, लेकिन शुरुआत से ही नास्तीवाद या नाजीवाद नस्ल के विरोधी थे, यहूदी का विरोध करते थे। फासीवाद नासीवाद की तरह क्रूर, क्रूर मतलब दोस्तों ओप्रेसिव, बहुत अत्याचारी नहीं थे जैसे कि अत्याचारी दोस्तों नाजीवाद था, है तो बंकर में बंद करके कई सैकड़ों को मार डाला था भाई इसने, है दोस्तों क्या जहरीले गैस छोड़ दिए थे यहूदी मर जाए थड़ा थड़ के मरे,
सोच लो यार, बड़ा तकलीफ होता है सुन के। एंड दोस्तों एट लास्ट इटली में मुसोलिनी और राजशाही हुआ। यह था दोस्तों जब इटली के अंदर तानाशाही स्थापित करना चाह रहा था मुसोलिनी, उस समय भी वहां पर राजा का शासन चलता था, लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं था, ओनली ओन हिटलर। जर्मनी में दोस्तों एक ही पापा होगा, वो होगा हिटलर, लेकिन यहाँ पे इटली के अंदर मुसोलिनी के साथ साथ वहां पे राजा भी शासन चल रहे थे। बेशक वो बात अलग है कि चलता दोस्तों मुसोलिनी का ही था, लेकिन वहां पे राजशाही थी, है ना। क्या था दोस्तों, मोनार्की सिस्टम वहां पे था, है ना। ये सारी बात के बाद दोस्तों आप ये बताना कि लास्ट में जाकर दोस्तों हिटलर 1933 में कहाँ का दोस्तों, जर्मनी का चांसलर बन गया, और उसके बाद दोस्तों 1935 के आसपास दोस्तों वो बन गया वहां का प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद दोस्तों पूरे किस पे, जर्मनी पे हिटलर का शासन एस्टेब्लिशमेंट हो गया। दोस्तों एट लास्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंक्लूजन की, तो दोस्त हम थोड़ा बात करते हैं निष्कर्ष की। दोस्त जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया है ना, पहले हमें मीनिंग पढ़ा दोस्तों, उसका इमर्जेंस पढ़ा, उसका आगे चलकर दोस्त हमें सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, देन आपका ये पढ़ रहे हैं, है ना, सब कुछ देख के पढ़ना है हमें। अगर आप लास्ट में अगर कंक्लूजन नहीं दिया, आपके मार्क्स कट दिए एग्जाम के अंदर, तो प्लीज इंट्रोडक्शन भी देना है और निष्कर्ष भी देना है, यानी कि कंक्लूजन भी देना है। दोस्तों इसमें सिर्फ दो तीन लाइन बता दो ये कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां, उस समय की सिचुएशन ऐसे थी जिसके कारण से उसका फायदा उठाकर ये दोनों दाना पैदा हो गए, और इसी के कारण दोस्तों आगे चलकर 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। क्या सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आप जानते हो मेरे दोस्त, मेरी वीडियोस उसके ऊपर भी आ रखी है, जो जाके फटाफट देखें। इससे पहले दोस्त अपना प्यार बना के जाए भाई, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, ऑनर्स में हो या प्रोग्राम में हो, मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो जितने आसान से मैं ये इतना पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी से भी ज्यादा आसान दोस्त मैंने अपने शब्दों में नोट्स लिखे हैं आप सबके लिए। तो दोस्त चाहते हो तो दोस्त फटाफट जाए और नोट्स ले ले, स्टॉक खत्म हो गया दोस्त आप रह जाओगे। तो दोस्त अपना प्यार बना के जाए। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना, दिल को सुकून मिलता है आपके कमेंट पढ़कर। दोस्तों लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना। बाकी मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो बताना जरूर भाई, ऐसे ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो दोस्तों वर्ल्ड के ऊपर और ऐसे ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। फिर से कहूंगा चलो सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगे तो सब दोस्तों को फैला दो, सब जगह शेयर कर दो। जय हिंद जय भारत।